इसको हम UPS प्लस जनरेटर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं इजी। 500 to 600 इसका अपना बिल होगा अगर मंथली अगर आप यूज़ करें तो। अगर छोटा बच्चा है, उसके रेशीज हैं, बीमार है, तो उसके लिए हम बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट की वारंटी मिल रही है, 1 ईयर होम सर्विस वारंटी है। अब बात आती है कि जी इसकी प्राइसिंग क्या है। हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ अल्पाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गर्मी आने वाली है, बल्कि तकरीबन आई गई है, और लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हर कोई AC अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे एयर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे एयर कूलर के बारे में बताऊंगा और इसकी टेक्निक भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ह्यूमिडिटी कर देता है, हफ्स कर देता है और सही काम नहीं करता। तो इसको सही तरीका चलाने का क्या है, किस तरह से आपके घर को, कमरे को, या जहाँ भी आप लगाएंगे वो जगह को किस तरह से ठंडा रख सकता है, और इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये हमें बताएंगे। उबैद यहाँ पर होते हैं और ये हमें पूरी इसके बारे में डिटेल बताएंगे। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल रायल भाई। ये जो रूम कूलर है ये टोटल इंपोर्ट होता है, ठीक है। ये ब्रांड है इलाइट कंपनी का ना, बेसिकली हमारे पास बहुत ब्रांड है, आप देख रहे हैं सब पाकिस्तानी मेड हैं, गुजरावाला में बनते हैं, कराची में बनते हैं, अलग अलग अपनी कंपनी है। कुछ आप ये देखा सके अगर सुपर एशिया, यूनाइटेड, GFC, हर ब्रांड में पास अवेलेबल होती है, ठीक है, रूम कूलर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दिखा भी देंगे। अभी दिखाने का मकसद इसका ये है कि टोटल इंपोर्ट है, इसमें वॉइस नहीं होती। एक होती है रूम कूलर में शोर बहुत होता है, तो इसमें बिल्कुल शोर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज़ इस वजह से हम लोग करते हैं कि जिनके यहाँ AC चल रहा हो या जो नहीं यूज़ कर सकते AC, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है। आप देख लें इसका लुक, देख लें, काफ़ी स्लिम है, कमरों में जगह भी नहीं होती, इतने छोटे छोटे कमरे हैं फ्लैट्स में। आप देखें ना, काफ़ी एडजस्टेबल है, आप कहीं भी मूव कर लें। देखें इसके व्हील आप लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसकी वायर देखें तो काफ़ी अच्छी बड़ी वायर डी हुई है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाऊँ, स्विच की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। अगर हम यहाँ से फ्रंट ग्रिल दिखाएँ ना, तो ये देखें, हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। अगर जैसे हम कभी ज़मीन पे हैं तो हम, अगर ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो हम इसको डाउन कर सकते हैं, अगर हम बेड पे हैं तो हम इसको अप कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी हम इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये टोटल टच ही होता है। ये देखें, मैं इंशाल्लाह इसको चला के भी दिखाऊंगा, इसकी अंदर की मूविंग भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें हमें सबसे बड़ी बात ह्यूमिडिटी फायर दिया हुआ है। ह्यूमिडिटी फायर क्या होता है, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये दिया हुआ है ह्यूमिडिटी फायर, तो टोटल कमरे में जितना भी हफ्स होता है ना अपने अंदर खींच लेता है। उससे क्या होता है कि कमरे में मतलब हफ्स नहीं हो रहा होता, चुभन भी नहीं होती, बिल्कुल नमी नहीं होती, और ये पानी की थ्रोइंग नहीं करता, जैसे रूम कूलर में आता है पानी आ रहा है जिसम पे लग रहा है, चिपचिपा हो रहा है, ये वो नहीं करता, ठीक है। इसमें हम पानी भर भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ इसकी पानी भरने की जगह। ये टब है, हमें ये पानी भरना होता है, हमें इसमें मिलती है जेल्स बोतल, 2 जेल्स बोतल हम उसमें वो भी रख सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में आइस क्यूब हैं तो आप वो इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसमें जेल बोतल रखें वो थोड़ी लेट पिघलती हैं, ठीक हो गया। तो ये पानी की है, मेजरमेंट है, आप इसको यहाँ तक पानी भर के इसमें रख दें। अच्छा, अब एक दफ़ा इसमें अगर पानी भर दिया, मुझे लग रहा है इसमें 3-4 लीटर पानी आ ही जाएगा तकरीबन, मेरे हिसाब से 5-6 लीटर आराम से आएगा, 5 लीटर वो आराम से 6-7 घंटे चलता है ईजिली। अगर आप रात में सोते भी इसको लगाएं ना पानी भर के, तो इंशाल्लाह सुबह तक रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। अगर आपको इसकी सफाई फाई करना चाह रहे हैं, हर घर में आजकल ब्लोर तो होता ही है, सफाई करना काफ़ी ईजी है। देख रहे हैं जैसे हम AC की सफाई करते हैं ना, वैसे हम इसकी भी कर सकते हैं। मैट देखें, नेट लगा हुआ है इस पर, ठीक हो गया है। बाकी ये पैड दिया हुआ है, ये भी हम निकाल सकते हैं लॉक से, ये आप इसका पैड चेक करें। मेन जो वो ह्यूमिडिटी फायर होता है वो इस पर होता है, तमाम जो हफ्स खींचते हैं वो मेन चीज़ ही है। ये जितना गीला होगा उतनी हमारे पास ठंडी हवा आएगी। अच्छा, और कितनी स्पीड है? ये देखें, ये अभी हम 30 स्पीड पे हैं इसकी, 1, 2, 2 पे आप देखें नॉर्मल है, ये 3rd मैंने फुल स्पीड कर दी है। अगर जैसे अभी आप यहाँ नीचे बैठे, मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये आप क्या देगा, आप देखें अपनी टी शर्ट जो है आप देख सकते हैं। और ये हमने कूलिंग अभी ऑन नहीं करी हुई, हमने खाली चलाया हुआ, ठीक है। कूलिंग हम जब ऑन करेंगे, जहाँ वाटर हो, विदाउट वाटर हम इसकी कूलिंग ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि पंप लगा हुआ होता है, वो विदाउट वाटर चलेगा नहीं, वही मोटर वाला हिसाब है। तो हम पानी होता है इसकी कूलिंग ऑन करेंगे, इसकी हवा में इजाफा हो जाएगा। ये ठंडी हवा AC की होती है, सेम वही हवा ही हमें थ्रो कर रहा होगा, एकदम ठंडी हवा। स्विंग मैंने आपको बता दिया, चारों तरफ ऑन करने के लिए होता है। ये मोड है, ये देखें, ये दिया हुआ ह्यूमिडिटी फायर। अगर आपको कमरे में हंस महसूस हो रहा है, ज़्यादा हीट स्ट्रोक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टाइमर लगा सकते हैं, अगर आप सो रहे हैं, आप चाहते हैं खाली आप इसको 2 घंटे यूज़ करें, तो आप इसको टाइमर लगा के सो सकते हैं, आराम से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक हो गया। आपके इसकी व्हील देखें तो इसकी व्हील की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉक हो जाते हैं। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लॉक कर दिए, ठीक है, ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये आप इसकी हर चीज़ की क्वालिटी देख सकते हैं, प्योर बॉडी में होता है ये। और ये अगर हम देखें तो 1 फीट इसकी चौड़ाई होगी, तो ये हर रूम में आ सकता है मेरे हिसाब से, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। बड़े रूम तो होते हैं कि हर रूम में एडजस्ट हो जाए बेड वेड के आगे। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, ये क्वालिटी वगैरह और हमने इसके सारे फंक्शन देख लिए और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है, ह्यूमिडिटी ये करेगा नहीं, हफ्स आपके कमरे में होने नहीं देगा। अब बिजली की सबसे ज़्यादा बात आती है कि अगर इसको हम 8 घंटे चलाते हैं
तो बिजली कितनी खा रहा है ये? देखें बिल्कुल मेन चीज़ बिजली है ना इसकी, तो इसका जो वोल्टेज पावर है ना वो 130 है। अगर हम पंखों का भी हिसाब लगाएं ना तो दो छत के पंखे भी पूरे नहीं है, 70 वाट का एक पंखा होता है, 140 हो गया, 70 ठीक है, तो ये 130 है। इसको हम UPS प्लस जनरेटर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, इजी, बहुत इजी हम इसको UPS और जनरेटर पे यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ ही सोचे, तो ये उस हिसाब से काफ़ी अच्छा। बिजली आना नहीं है क्योंकि छत के पंखों की क्या बिजली होती है, मंथली आप बिल लगाएं अगर आप इसको यूज़ करें 500 to 600 इसका अपना बिल होगा अगर मंथली अगर आप यूज़ करें, तो इसके बिजली के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखें इसके जो ब्लोअर है तो इसका वाट बहुत कम रखा हुआ है, 130 वाट का है। इससे मेरे पास और वैरायटी भी है जो 180 वाट पे हैं, 220 पे हैं, 250 पे हैं। अच्छा, अगर ये लगा लें तो क्या ऐसा है कि हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखें अगर आप छोटी फैमिली से हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, छोटा बच्चा है आपका, बोर्न बेबी है, जैसे ज़्यादातर ज़रूरत होती है बोर्न बेबीज़ के लिए, वो गर्मियों में गर्दी बड़ा तो बर्दाश्त कर लेता है गर्मी, बच्चा नहीं करता। अगर छोटा बच्चा है, उसके रेशेज हैं, बीमार है, तो उसके लिए हम बहुत ईजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें क्यों है, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है। सिर्फ बच्चे नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जैसे कोई पेशेंट्स हो गए, एजेंट्स हो गए, उनके लिए भी काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है और पायदार चीज़ है उनके लिए, और चलती है। सबसे बहुत इंपोर्ट की वारंटी मिल रही है, 1 ईयर होम सर्विस वारंटी है। ऐसा नहीं कि आप ला रहे हैं आपको बन रहा नहीं है, ये नहीं हो रहा, वारंटी कार्ड दिया जाता है आपको, होम डिलीवरी दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, सेम डे में डिलीवरी दी जाती है पूरे कराची में। आउट ऑफ सिटी वाले को हमारी डिलीवरी दी जाती है 7 डेज़ में, तो हमारी डिलीवरी के मतलब और डिलीवरी भी कर देते हैं जी, बिल्कुल। प्रोसीजर जो है सेम डे वाला का जो प्रोसीजर है वो कैश ऑन डिलीवरी का होता है। कराची में ऐसे अगर हमारी सिटी में कोई है तो हम उसको कैश ऑन डिलीवरी करवा देते हैं, बाहर हो तो आउट ऑफ सिटी वाले से हम एडवांस कर एडवांस। अब आ जाती है बात के, चले इसकी सारी क्वालिटी हमने देख ली, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पायदार लग रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल बेकार होगी। तो देखिए साइड बनी हुई, आप इसको बहुत इजी वेट है, अगर राय भाई आप खुद उठाएं तो आप वाकई बोले, देखिए मैं एक फिंगर से पकड़ा हूँ, ये वेट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक फिंगर यहाँ एक फिंगर यहाँ, इसमें कोई वेट ही नहीं है। अगर आप पानी भी डालें तो कितना, 6 लीटर वेट डाल के मतलब क्या 5-6 किलो का इसका वेट हो जाएगा, वेट ही नहीं है इसमें। आप कहीं भी मूव कर लें, कारपेट वगैरह पे कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि जी इसकी प्राइसिंग क्या है? प्राइस देखें, बहुत महंगाई हुई है, सही प्राइस बताना। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और पिछले साल भी अगर ये हमने बेचे हैं ना तो 28-27 thousand तक के हमने बेचे हैं, और पिछले साल हमने अगर एसी का अगर हम इससे कंपेयर करें, एसी हमने बेचा है 60,000-65,000 रुपये का। इस साल जो हमारे एसी के प्राइस हैं एक टन का ही है तकरीबन, तो सादे का अगर हम प्राइस का अंदाज़ा लगाएं 1,00,000-1,05,000 तक का एसी है तकरीबन, मोटर नहीं है, सादे वाले की बात कर रहा हूँ एक टन का, और वो 70-65 का पिछले साल था। तो अगर हम उससे कंपेयर करें 28,000 अभी के इसके प्राइस, मार्केट प्राइस 35-34 हैं लेकिन हम इसको चला रहे हैं 32,000 में, 32,000 रमज़ान से पहले पहले की है अलहमदिल्ला, क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ है थोड़ा, तो उस तरह रमज़ान उसके बाद जो प्राइस होता है वो जून जुलाई का अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मेन गर्मी वो है, मेन रेट लिस्ट इसमें आती है जून जुलाई में। तो अभी हम इंशाल्लाह रमज़ान में या रमज़ान तक में हम इसको दे देंगे 32,000 का, अल्लाह ने 32,000 रुपये का ही आपको मिल जाएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दी है, जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।